राधे राधे, आज मैं आपको दो रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही तीखी, चटपटी और टेस्टी, और बिना भूख भी रोटी खाई जा सकती है उस रेसिपी के साथ। ये प्याज को मैंने गोल गोल कट कर लिया था और अलग अलग स्लाइस में निकाल लिया। इसमें डाला है भुना हुआ जीरा, पीस रखा था मैंने, चाट मसाला, चिल्ली फ्लेक्स और नमक। और इस तरीके से बनाकर सलाद जरूर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है और खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। कौन कौन बनाता है इस तरीके का सलाद, वो मुझे कमेंट करके वीडियो में जरूर बताना। और ये, और अब मैं बना रही हूँ तिक्खी और टेस्टी वाली चटनी। ये लोहे की कढ़ाई है भाई, और गैस पे चढ़ा दी है मैंने, गैस को कर दिया ऑन। और अब इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून सरसों का तेल, ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी। आप वीडियो में देख भी रहे हैं मैंने कितना तेल डाला है। और इस रेसिपी में तेल बहुत ही कम यूज होता है और बनती बहुत ही टेस्टी है, और बिना भूख भी रोटी खा सकते हैं। लेकिन इसके साथ बेसन की ही रोटी अच्छी लगती है इस रेसिपी के साथ। जब वीडियो में देखते रहिए। और तेल को मैंने चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है। और ये बिल्कुल लाल टमाटर हैं, इनको धोकर आगे का नाकू वगैरह निकाल कर दो दो पीस में कट कर लिया है, और कढ़ाई में मैं पलट कर रख दूंगी इस तरीके से। और आप ये रेसिपी बनाएं तो इस टाइप की कढ़ाई या फ्राई पैन में ही इसी तरीके से टमाटर जचाएं, क्योंकि इस तरीके से टमाटर जब तक नहीं जचेंगे तब तक टमाटर अच्छे से अंदर तक नहीं सिकेंगे, और ये चटनी अच्छी भी नहीं बनेगी। तो ये मैंने ढककर रख दी थी और बाँह निकल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म है। गैस को मैंने सिम किया हुआ है और सिमी गैस पे बनाना है। अब मैं इनको एक एक करके पलट दूंगी। और लीजिए, सब टमाटर को मैं पलट चुकी हूँ, और फिर पलटने के बाद भी फिर मैं प्लेट से ढक दूंगी इनको। और गैस को सिम ही रखें ये रेसिपी और ये बनाते हुए। टमाटर को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, और अब मैं इसके साइड में ये 8-10 कली लहसुन की रख दूंगी, ताकि इसी तेल में ये सिक जाएं, अलग से तेल हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और ये 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और 3 डालूंगी इसमें तीखे वाली हरी मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें प्याज में ही धनिया पत्ता भी मैं कट कर लूँगी अच्छे से धो के साफ करके। और ये टमाटर हमारे बॉयल हो चुके हैं, अब इनको पलट कर मैं एक एक करके छिलका उतारूँगी। और लहसुन भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, और इस टमाटर को वापस से मैं पलट दूंगी, क्योंकि इन सब के छिलके उतारने हैं, इसलिए सब टमाटर को एक साथ ही पलट दूंगी और एक साथ ही छिलके उतार दूंगी। और गैस को बंद कर दिया है मैंने। और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, इसलिए आसानी से इस तरीके से ही छिलके उतर जाएंगे। और टमाटर गरम भी हैं और कढ़ाई भी गरम है, हल्का सा ठंडा होने के बाद छिलके उतारे, मैं थोड़ा सा गरम गरम का ही उतार रही हूँ। लीजिए, सब टमाटर के छिलके उतार चुकी हूँ, बस 2 ही टमाटर बाकी हैं। और आगे किस तरीके से बनाऊंगी मैं इस चटनी को, वो आप वीडियो में देखते रहिए। और अब मैं सब टमाटर और लहसुन को एक साथ ही मैश कर दूंगी, या तो चम्मच से मैश कर लें या कुछ भी चीज़ से, आप जो आपके पास अवेलेबल है उससे मैश कर लें। जार में तो इसको पीसना नहीं है, क्योंकि चटनी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से इस चटनी को मैश करना है, और छिलका एक भी नहीं होना चाहिए टमाटर का बिल्कुल भी, और लहसुन भी इसके साथ ही मैश हो जाएगा। और अच्छी तरह से टमाटर को
और लहसुन को मैश करने के बाद इसमें प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कट करके धनिया डाल लूँगी इसमें मैं। लेकिन टमाटर को मैं पहले अच्छे से मैश करूँगी, बिल्कुल भी टाइटनेस या कोई टाइट टमाटर इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे हम चटनी बनाते हैं उसी तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट चटनी होनी चाहिए। और इस चटनी का टेस्ट जैसे हम सिलबट्टे पे चटनी बनाते हैं उस तरीके का टेस्ट आएगा इस चटनी में, और बहुत ही टेस्टी लगती है। और लीजिए हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज इसमें मैं कट करके डाल चुकी हूँ, वो वीडियो में दिखाना भूल गई मैं, सॉरी। और अब इसमें मैं डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और फिर इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, क्योंकि 3 तीखे वाली हरी मिर्च तो डाली थी बारीक चॉप करके, लेकिन थोड़ी सी चिली फ्लेक्स का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इस चटनी में। और अब इसको मैं अच्छे से मिला दूंगी और कैमरा में पास ले जाकर फिर आपको दिखाती हूँ कितनी टेस्टी वाली चटनी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए हरा धनिया और लहसुन और प्याज और हरी मिर्च और टमाटर को इस तरीके से सेक कर कितनी टेस्टी चटनी बननी है। जार वाली चटनी से तो बहुत ही टेस्टी लग रही थी, जार में तो बिल्कुल चटनी का पता ही नहीं चलता किस चीज़ की हम चटनी खा रहे हैं, लेकिन इसमें साफ दिख रहा है हमने चटनी में क्या क्या डाला है, और बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी इस तरीके से चटनी। इसमें आप थोड़ा सा नींबू और चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू और चीनी नहीं खाते चटनी में, वो अलग तरीके से पुदीने की मीठी चटनी में ही अच्छा लगता है। लेकिन टमाटर की चटनी में नींबू और चीनी मैंने नहीं डाली। इसी तरीके से बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी चटनी। एक बार इस तरीके से चटनी ज़रूर बनाएं, बिना भूख भी रोटी खाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगती है। वीडियो को शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।